संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा सहित 24 बीजेपी नेताओं को मिली जमानत। झारखंड उच्च न्यायालय ने बीजेपी नेताओं को दी जमानत। विधानसभा में नमाजगाह बनाने के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के विरोध के दौरान भड़की हिंसा मामला, पुलिस को वाटर कैनन और लाठीचार्ज करना पड़ा था। भड़की हिंसा के बाद पुलिस ने गैर जमानती धाराओं के साथ मुकदमा किया था दर्ज। इस दौरान कई लोग घायल हो गए थे। प्रार्थी की ओर से RS मजुमदार ने पैरवी की। सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा और बीजेपी का प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव के साथ अन्य 24 लोगों का एंटीसिपेटरी बेल का सुनवाई हुई और आज इन हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट भी कर दिए। ये मामला विधानसभा में स्पीकर के आदेश से जो नवाज स्थल का अनाउंस किया गया था, उसी सिलसिले में इस प्रदर्शन किया गया था, जिस प्रदर्शन के तहत कुछ लोग प्रोटेस्टर्स में जो लोग थे उनमें इंजर्ड भी हुए, जो इस ऑर्डर में भी जिक्र किया गया है। और इसका बदले में पुलिस ने इनकर 353 और अदर अलाइड सेक्शन पे केस लॉन्च किया और दोनों पक्ष को सुनने के बाद आज को आज जमानत मंजूर कर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।